नॉमिनल यानी कि सिर्फ 30 रुपए में वो जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं और साबका एमएस रहे हैं अब्बासी अस्पताल के, इतने बड़े अस्पताल के इंचार्ज रहे हैं, वो आपको आके सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर इलाके के लोग अपने कम पैसों में अच्छी सेहत की फैसिलिटी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये मैनकाइंड के ताउन से आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है। इसी तरह आप लोगों के इल्म में है या नहीं है, अगर नहीं है तो अपने अभी आपके इल्म में आ जाती है, और अगर है तो अपने एतराफ़ के, अपने पड़ोस के, अपने महल्ले के लोगों को बताएं। ख़वातीन और बच्चों के लिए एक स्पेशलिस्ट हमने यहाँ बिठाया हुआ है, मगर ख़वातीन और बिल सिर्फ गायनोलॉजिस्ट यहाँ पर खातून डॉक्टर बैठी हुई हैं, अभी भी बैठी हैं। सिर्फ 100 रुपये में वो आपको देखेंगी, जबकि आप किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाएं तो 300, 400 और 500 रुपये में देखते हैं। इसी तरह बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिठाया है जो कि डिफेंस से आते हैं, मुख्तलिफ जगह बैठते हैं, वो PCHS में बैठते हैं, मगर यहाँ लोगों को या तो इल्म नहीं है या लोग एक दूसरे को बताते नहीं हैं। आपसे गुजारिश है कि ये दोनों बातें अपने महल्ले में, अपने अतराफ में, अपने लोगों को बताएं कि बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, जाके दिखाओ। और ये जो डॉक्टर बैठे हैं ये 3 बजे से, बल्कि 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठे हैं। पहले जो है वो जिस तरह से लोग आ रहे थे इनके पास, उनके पास तो अभी भी लोग आ रहे हैं, मगर जो खवातीन और जो बच्चों के जो डॉक्टर हैं उनके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने लोगों को बताइए और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैसिलिटी आप हासिल करें। आज जो हम लोग यहाँ आपके सामने हैं, कुछ हमारे ये दोस्तों ने, ये जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं ये सब मैनकाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान हैं। इन्होंने अपने ताउन से कोशिश की है कि कुछ है, लोगों को जो है राशन की तकसीम की जा सके इस माह मुबारक के महीने में। और इसी तरह से ये छोटे छोटे से अमल हम और करते रहें आपके लिए। आपको अंदाज़ा है ये जिस तरह सीवरेज का आपके महल्ले में हाल है, ये पहले हम 2 दफ़ा ठीक करा चुके हैं, जो कि ये हमारा काम नहीं है। ये काम जो है इदारे के, जो इदारे हैं म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारे हैं, उनका काम है। और आपको, आप लोगों को पता नहीं इल्म में ये बात है या नहीं है कि यहाँ जितनी भी बीमारियाँ हैं उसका 90% जो बीमार हो रहे हैं बच्चे या लोग, औरत या मर्द, वो गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से। आपके यहाँ जो पानी आ रहा है वो ठीक नहीं है। अब आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी, हम कोशिश कर रहे हैं माइनकाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लोग कि इसी बाउंड्री के अंदर एक RO प्लांट लगाएं और आपको साफ पानी मुहैया किया जा सके, आपके घरों तक साफ पानी जाए, ताकि आप लोग ये जो बीमार हो रहे हो, जल्दी बीमारियां बहुत हैं यहाँ, हेपेटाइटिस बी की सी की बीमारियां बहुत हो रही हैं, ये सारी बीमारियां गंदे पानी जो जो आ रहा है लाइनों में उसकी वजह से। ये जो पानी साफ भी अगर आ रहा है तो उसमें जो सेहत के लिए ज़रूरी अंसर होने चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब है कि वो पानी पीछे से ही प्रॉपर क्लोनराइज होकर नहीं आ रहा, लिहाजा ये चीज़ें आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए, आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर कहीं कहने का, बोलने का या बताने का मौका मिले तो ज़रूर बताना अपने लोगों को, अपने अजीज़ों को, अपने महल्ले वालों को। हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमारी इस कोशिश को कामयाब करे कि हम ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पानी का मसला भी आप लोगों का हल करेंगे। आज जो हम यहाँ बैठे हैं कुछ खवातीन, कुछ हमारे दोस्तों ने ये आपके महल्ले से लिस्ट मुरतब की है, जो हम कर सकते थे मेरे भाई बहनों वो हमने इस छोटे से वक्त में ये किया है। आइंदा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हिम्मत दी तो और ज़रा बड़े पैमाने पे करेंगे। इरादा यही था कि हम 100 से 150 लोगों को देंगे और ये सामने देंगे और किसी सरकारी अहदेदार को भी बुलाएंगे, दिखाएंगे भी देखो हालात लोगों की ये है, ये वजह है कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है लोगों की, वो भी उनको बताते। अभी ये जो पानी की और सेहत की बात हो रही है ये किसी अरबाब अख्तियार यानी किसी हुकूमत के बड़े आलाकार को हमारा इरादा था कि लाते यहाँ और उनको दिखाते बताते, ताकि उनके उनसे कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर काम करवा सकते, मगर ये चूँकि जल्दी की बुनियाद पर हुआ है तो इंशाल्लाह ताला अगले माह जो हम प्रोग्राम करेंगे RO प्लांट वाला, उसमें ज़रूर किसी हुकूमती अहदेदार को बुलाएंगे
ताकि आप लोगों के सामने उनसे वाजे करवाएं कि वो आप लोगों के इस इलाके के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है बहनों भाइयों, अभी मैं जो नाम लेऊंगा वो मेरी बहन या माँ या मेरा भाई वो यहाँ आए और पहले चंद जो है वो राशन अबुल खैर साहब आप दे दीजिएगा, फिर मैं दूसरे साथी का नाम लूँ तो आप दे दीजिएगा, आप खड़े हो। और सबसे पहले मेरे पास नाम है जनाब जोहरा, जोहरा आइए यहाँ पे। अब आप बेटा थैली उठाओ इधर ला के दो, अहमद भाई यहाँ से। चलो दूसरे पे हाथ रख देना यार, क्या हुआ तुमने तस्वीर खींचनी है, अभी भेज देना। शहजादी दरख्शां जल्दी आइए, वो आप जरा हाथ रख दो भाई ताकि इनकी इनकी हाइट भी पूरी हो जाए, आप तस्वीर ले लेना भाई जल्दी करो। ये मेरी बहन जरा सा पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ये सामने हटो भाई। चले मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हबीब जल्दी आओ, हबीब आ जा। आराम से
बाहर दे दिया और दिया मोहम्मद अली ये आप हाथ रखिए फरदाना इमरान आइए मैं रखूँगा। उस्मान कौन है? आ जाओ।
एक सेकंड देखो भाई। जी सर एक मिनट सर आपके नाम है वो आना जी।